रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको एक मुखालफे के मुतालिक अपडेट कर दूंगा। शॉर्ट से वीडियो बनाते हैं और भाई तू कार कर ले दरमियान में। मैं मुख्तलिफ वीडियोस में आपको बताया व्हाट्सअप नंबर अपना देता रहता हूं और भाई जो है वो फिर कॉलें इतनी आती हैं यार। मैं अगर कॉल के ऊपर एक बंदे से बात करने बैठ जाऊँ ना तो आप यकीन कीजिए फिर मैं रोज़े के साथ बंदा ना नमाज पढ़। अभी देखें कॉल काटिए फिर दोबारा की जा रहा है। व्हाट्सअप के ऊपर बंदे को रिप्लाई कर देता हूँ कॉल वक्ता फ़क्ता यार। मैं कॉल के ऊपर भी रिप्लाई करता हूँ क्योंकि उसकी वजह यह है यार कि अभी बात और तरफ ही चल पड़ी। ये तीसरी दफ़ा कॉल कर ला, अभी सुन ही लेते हैं, आप भी सुन लें वीडियो के दरमियान में ये भाई से बात क्या हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम यार। भाई मैं अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग के दरमियान ही आपकी कॉल आ गई है। अभी मुझे जल्दी से बता दें क्या पूछना है। देखो ई नंबर आपका नहीं, ई नंबर बहुत से भाइयों का नहीं निकल रहा है। इसमें जिस एजेंट को आपने वीजा दिया हुआ है उसको बोलें या मजीद चंद दिन वेट कर लें, इंशाल्लाह ताला ये मसला हल हो जाएगा। अजी जी ऐसे ही है बिल्कुल। बाकी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप बाद में कॉल कर लीजिएगा फिर इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। जी सुन लिया आपने भाई, कॉलें इतनी आती हैं यकीन कीजिए कि बस बंदा फिर मैंने बोला ब्रेक क्या करनी, आप भी सुन लें बात क्या हो रही है। हर बंदा ई नंबर के मतलब आपको पता है मसले मसाइल चल रहे हैं, हर बंदा पूछ रहा है। अच्छा जी 1000 से 2000 रियाल के अराउंड में ये ग्रामा होगा आपको। अगर आप इसमें फर्स्ट टाइम है तो आपको 1000 हो सकता है। अगर आप सेकंड टाइम भी ऐसा कर रहे हैं या जानबूझकर आगे से गाड़ी ही नहीं हटा रहे हैं तो फिर आपको 2000 रियाल का भी ग्रामा हो सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको छूटता देखेगा ही फ्री ग्रामा होगा। एम्बुलेंस में भाई कैमरे लगे होते हैं, आपकी गाड़ी कैच होगी और आपके नाम के ऊपर बकायदा या जिस भी किसी भी बंदे के नाम के ऊपर वो गाड़ी होगी उसके नाम के ऊपर उसको मैसेज आ जाएगा भाई आपको 1000 रियाल का टीका लग चुका है या 2000 रियाल का टीका लग चुका है। एक पिक्चर आपको सबसे पहले जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ उसमें आप देख लें जी, इसमें एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस के दोनों अतराफ में गाड़ियाँ हैं। तो ऐसा करना गैर कानूनी है, ऐसी सूरत में भी आपको फाइन हो सकता है। आप एम्बुलेंस के इस तरफ यानी कि राइट साइड पर अपनी गाड़ी रख सकते हैं, फर्स्ट ट्रैक जो है वो एम्बुलेंस के लिए आप छोड़ सकते हैं। बाई चांस होता है ऐसा है कि ट्रैफिक भाई आगे से ट्रैफिक जाम है और एम्बुलेंस आपके पीछे आकर खड़ी होगी है तो कोशिश कीजिए दाएं या बाएं कहीं घुस जाए उसको रास्ता दे दीजिएगा, यही बेस्ट है। ऐसी सूरत में आपको ग्रामा नहीं होगा। अगर आप जानबूझकर गाड़ी आगे रखे हुए हैं या ऐसा भी हो जाता है अक्सर जी, एक पिक्चर और आपको दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं गाड़ी उसके आगे लगी हुई है एम्बुलेंस की और बकायदा दौरियत की तरफ से अमरूद की तरफ से ये पिक्चर शाया की गई और ऊपर लिखा हुआ है 1000 से 2000 रियाल का फाइन। अक्सर ऐसा हो जाता है कि बंदे एम्बुलेंस जा रही है उसके पीछे गाड़ी भगा लेते हैं, यार इसके पीछे रास्ता मिलता जाएगा, यार सऊदी को भगा ले। आप परदेसी भाई मत ऐसा काम कीजिएगा। क्यों भाई, अगर किसी सऊदी ने भी देख लिया वो भी बुरा मनाएगा इस चीज़ का। और एम्बुलेंस की बैक साइड के पीछे भी कैमरा लगा होता है, अगर आप एम्बुलेंस के पीछे गाड़ी भगाएंगे तो फिर भी आपके ऊपर 1000 से 2000 रियाल का फाइन होगा। तो एक शॉर्ट सी वीडियो थी, मैंने बोला आपको आप भाइयों को इस चीज़ से अपडेट करता चलूँ।